आज हमने पहली बार स्वागत किया एक नई नवेली दुल्हन का। पहली बार का एक्सपीरियंस था हमारा, इसीलिए हम सब लगे हुए थे इसको और स्पेशल बनाने में। तो यहाँ पर आप देखोगे कितने सारे फूल हमने बिछा दिए थे, बैलून्स भी, और लिख दिया था वेलकम। लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और हमने बीच में कैंडल्स लगा रही थी, फिर मैं ब्राउनी को वहां से उठा के ले गई ताकि वो कुछ खराब ना करे। फिर मेरे को प्लेट सजानी थी तो मैं प्लेट सजाने लगी, खूब सारे फूल प्लेट्स में लगा दिए जैसा कि आप देखोगे। और फिर बीच में रख दिया दीपक, मिठाई और टीका। गुची और ब्राउनी ने खुशबू सूंघ ली थी मिठाई की, इसलिए वो थोड़े पागल हो गए थे। और यहाँ पर दूसरी साइड चल रही थी खाने की तैयारी, काफी सारी चीजें बनने वाली थी आज। इतना तो मुझे भी नहीं पता था क्या क्या बनने वाला है, लेकिन इसमें से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन सच बता रही हूँ, किचन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब टाइम हो गया था उन दोनों के घर आने का, क्योंकि हमने उनको डिनर के लिए इनवाइट किया था। हम तीनों फिर खड़े हो गए और उनका इंतजार करने लगे ताकि वो जल्दी से अंदर आए और हम उनको वेलकम करें। और यहाँ पर देखो पूनम दीदी ने कैसे ब्राउनी को पकड़ा हुआ है और कीर्ति दीदी कैसे खड़ी हुई है। हमें इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम उनका वेलकम कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं और वैष्णवी सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। हमने उनका वेलकम कर दिया, फिर उन्होंने हमारे सभी के पैर छुए और गुची और ब्राउनी से भी खूब प्यार किया। फिर अंदर आने के बाद हमने सबसे पहले उनको गिफ्ट्स दिए, एक एक करके सबने अपनी अपनी साइड से गिफ्ट दे दिए। और सबसे पहला गिफ्ट उसने बैग ही ओपन किया। वैष्णवी को व्हाइट कलर बहुत पसंद है, इसलिए उसको व्हाइट कलर का बैग गिफ्ट मिला। और रोहित के लिए आए थे शूज, कितने सुंदर शूज है ना, येलो कलर, ये लखन की चॉइस थी। फिर मैंने उनको अपनी साइड से कुछ स्पेशल दिया। भाई सब कुछ हो गया था, गिफ्ट दे रहे थे, भूख इतनी तेज लग रही थी कि पूछो मत। बस वेट हो रहा था जल्दी से खाना आए, जो भी कबाब बने हैं, मसाला आलू बने हैं, नूडल्स बने हैं, जल्दी से आ जाए। वैसे हमने सब कुछ घर पर बनाया था क्योंकि हम बाहर से कम ऑर्डर करते हैं, इसलिए हम सब घर पर ही खाना पसंद करते हैं। सब चीजें अच्छी ही बन जाती है और मजा भी आ जाता है। और देखो यहाँ पर सिर्फ स्टार्टर था, अभी तो मेन कोर्स आना बाकी है। और हम लोग खाने बैठ गए थे, सच बता दी मैंने उन दोनों को सर्व किया और बोला हेल्प योर सेल्फ, और मैं खुद खाने लग गई। हमारी नीचे खाने की आदत बहुत पुरानी है तो हमें नीचे खाना ही पसंद है। हमने उन दोनों को ऊपर बिठाया और हम सब नीचे बैठ के खाने लग गए, ठीक इसी तरह जैसे कि आप देख रहे हो। खाना खाते खाते पता ही नहीं चला कि कब हमारा पेट भर गया और मेन कोर्स भी आ गया। मेन कोर्स में भी तीन तरह की सब्जियां थी, लेकिन इतनी भूख किसी को नहीं थी। थोड़ा थोड़ा सबने मेन कोर्स में से लिया, लेकिन मैंने, कीर्ति दीदी ने, पूनम दीदी ने, हमने नहीं खाया क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भर चुका था। लेकिन सबने खूब जम के खाना खाया। और उसके बाद हमारी बारी आई डेजर्ट खाने की, तो उसमें बना था हलवा, वो भी बहुत कम शक्कर का और मिठाई भी थी। तो मैंने तो भाई मेन कोर्स नहीं खाया और खाया मेरा फेवरेट हलवा, सूजी का हलवा। और यहीं पर वेलकम खत्म नहीं होता, वेलकम खत्म हुआ डांस करके, जब इन दोनों ने रिक्रिएट करा इस सॉन्ग को। हमने उनको दुपट्टा भी दे दिया था कि तुम दोनों इस सॉन्ग को रिक्रिएट करो, लेकिन बहुत मजा आया। ये शाम हमें हमेशा याद रहेगी क्योंकि हम सब ने एक साथ मिलकर वैष्णवी का वेलकम किया और खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया। आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट्स करते हुए जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल। I realize when I'm with you, I wanna do what it takes to